الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين قال الله عز وجل في القرآن المجيد إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون تمام تعريفي अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए खास है जिसने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत इस्लाम जैसी अजीम नेमत कुरान जैसी अजीम किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम इंसान को दिया। अल्लाह को दुरूद व सलाम हो, नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबिया वर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो अल्लाह की दी हुई अमानत को पूरी अमानत व दियानतदारी के साथ हम तक पहुंचा गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी खामियों को, कमियों को, खताओं को दरगुजर फरमाए और हम सबको ईमानी कुव्वत के साथ साथ नेक अमल की अल्लाह सुब्हानहु तआला तौफीक भी इनायत फरमाए। आमीन। कोई भी अमल चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम और अहमियत सिर्फ इस चीज को है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उसको कबूल फरमाया कि नहीं। चुनांचे हमें चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगियों में, चाहे इंफरादी सतह पर हो, इज्तिमाई सतह पर हो, कौमी सतह पर हो, सियासी सतह पर हो, माली सतह पर हो, जो भी कदम हम उठाएं, जो भी अच्छा काम हम करें, अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ भी हमें करना चाहिए कि अल्लाह इसको शर्फ कबूलियत से नवाजे। और अल्लाह सुब्हानहु तआला हर कसो नाकस से हर चीज को कबूल नहीं कर सकते। इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, उन्हीं लोगों से अल्लाह सुब्हानहु तआला चीज छोटी हो बड़ी हो कबूल फरमाते हैं
जो तकवा शियार हैं, जो परहेजगार हैं, अल्लाह सुबहाना वताला से का डर रखने वाले हैं, अल्लाह सुबहाना वताला से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह सुबहाना वताला से उम्मीदें जो लगाए बैठे हैं, अल्लाह सुबहाना वताला उन्हीं के छोटे बड़े आमाल को कबूल फरमाए। चुनांचे अगर अल्लाह सुबहाना वताला ने मकबूलीन के उस जुमरे में हमको शामिल कर लिया तो इससे बढ़कर खुशनसीबी और कोई हमारे लिए हो ही नहीं सकती। माज़ा सामईन, अल्लाह सुबहाना वताला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह सुबहाना वताला तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद के लिए आए। अल्लाह सुबहाना वताला फरमाते हैं, मोमिनों को चाहिए कि वह अपना पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना वताला की जात पर रखे। माज़ा सामईन, आज हम कई मसाइल का शिकार हैं, पर्सनल परेशानियां भी हैं, घरेलू मसाइल भी हैं, समाजी चैलेंजेस भी हैं, माशी तंगियां भी हैं और कुदरती बलाएं भी हैं। ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई, ये सारे असबाब हो सकते हैं, मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह सुबहानहु ताला की ज़ात। हम दुआ अल्लाह सुबहानहु ताला से करें या गैरों से करें, हम अपना माथा अल्लाह सुबहानहु ताला के दरबार में रगड़ें या गैरुल्लाह के दरबार में रगड़ें, हमारे मसाइल को हल करने वाला, हमारे मुश्किलात को दूर करने वाला, हमारी परेशानियों को भगाने वाला और हमें दुनिया व आखिरत में इज्जत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहु वताला। हम ये सारी चीजें अल्लाह सुबहानहु वताला के सामने बयान करेंगे, अल्लाह सुबहानहु वताला से मदद तलब करेंगे तो अल्लाह सुबहानहु वताला हमसे खुश होकर उन चीजों को हमें अता फरमाएंगे। और इन्हीं चीजों को अगर हम गैरुल्लाह से मांगते हैं या हम ही जैसे अफराद से मांगते हैं तब भी अल्लाह सुबहाना वताला की जात इतनी बड़ी है कि हम महरूम नहीं कर सकते, तब भी अल्लाह सुबहाना वताला वो चीजें हमें अपने हिकमत के तहत देंगे लेकिन खुश होकर नहीं। चुनांचे हमें का हर फर्द जन्नत का ख्वाहिशमंद, जन्नत की नेमतें मिलने के बाद दुनियावी जो नेमतें हैं वो फीकी पड़ जाएगी। सारी नेमतें मिल जाने के बाद अल्लाह सुबहाना वताला बंदों से दरियाफ्त फरमाएंगे कि मेरा जो करम है, मेरा जो रहम है, मेरा जो तुम्हारे साथ मामला है, क्या तुम इससे राजी हो, क्या तुम इससे खुश हो। तो सारे बंदे एक जबान होकर कहेंगे ऐ अल्लाह तेरी जात ही तो थी जिसने हमें जिंदगी बख्शा, जिसने हमें हिदायत दी, अमल की तौफीक दी और नेक आमाल करने की ताकत भी अता फरमाई,
तेरी ही बदौलत आज हम जन्नत की इन नियामतों में लोटपोट हो रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह सुबहानहु तआला एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, और खुशखबरी क्या है, दुनिया में वला जिक्रुल्लाह अकबर, दुनिया में क्या है, वला जिक्रुल्लाह अकबर, सबसे बड़ी चीज क्या है, अल्लाह सुबहानहु तआला का जिक्र है। चुनांचे चाहे नमाज ले लें आप, रोजा ले लें, जकात ले लें, हज ले लें, अकम सलात अली जिक्री, अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया कि सारी की सारी चीजें क्या है, अल्लाह सुबहानहु तआला को याद करने के लिए। तो दुनिया में वरिदवानुल्लाह व जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र जो है बहुत बड़ा है, लेकिन जन्नत में वरिदवानुल्लाह अकबर, जन्नत की सारी नियामतों से बढ़कर क्या चीज है, अल्लाह सुबहानहु तआला की खुशनूदी। तो अल्लाह सुबहानहु तआला यही खुशखबरी देंगे, आज मैं आप सबसे खुश हुआ हूं, कभी नाराज नहीं हूं। तो इस मरहले को पहुंचने के लिए हमें इस दुनियावी जिंदगी में, इस मुख्तसर सी जिंदगी में तगदो करना होगा, मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। मुआज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुबहानहु तआला कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون। आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं, जो भी मसाइल आपके हैं, जो भी मुश्किलात आपके हैं, जो भी परेशानियां आपके हैं, इन सारी परेशानियों को, मसाइल को, मशाकिल को दूर करने वाली जात कौन है, अल्लाह सुबहानहु तआला की जात। अगर अल्लाह सुबहानहु तआला को छोड़कर आप किसी के पास भी चले जाए, वो कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हाकिम क्यों ना हो, अल्लाह को छोड़कर जहां जहां हम मदद के लिए पुकार लगाएंगे, अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं वो तुम्हारी मदद तो करना दूर की बात, वो खुद खुद की मदद नहीं कर सकते, वो खुद बेबस है, वो सांसें जो वो खुद लेकर आज इस ओहदा मर्तबे पर जो है कायम है, ये उसकी खुद अपनी सांसें नहीं है, अल्लाह सुबहानहु तआला जब चाहे एक सांसें उसे छीन सकते हैं। जिंदगी का देने वाला अल्लाह सुबहानहु तआला है, मौत का अता करने वाला अल्लाह सुबहानहु तआला। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपको अभी हिजरत का महीना भी आने वाला है, मुहर्रम, इसी महीने से जुड़ी हुई दास्तान जो है मूसा अलैहिस्सलाम की भी है। हालात कैसे थे, कई मरतबा आप तकरीरों में सुने होंगे, युज़बिहून अबनाअहुम वयस्तहयून निसाअहुम, इतने गए गुजरे हालात अभी नहीं आए, बच्चों को, छोटे बच्चों को जो मर्द बच्चे होते थे ज़बह कर देते थे, और लड़कियों को छोड़े जिंदा छोड़े। तारीख की किताबों में आता है कि उस जालिम ने अपने हुकूमत को बचाने के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए 70,000 बच्चों का उसने कत्लेआम किया। क्या दिन उसका रहा, क्या रात उसकी रही, क्या दिनों रात इसी तरह चलते रहे, तब्दीली नहीं आई, जरूर आई, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना है कि कौम भी खामोश नहीं बैठी,
वह अपने दीन पर इतना सारा जुल्म होने के बावजूद कायम थे, सब्र का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, और वक्त के नबी की सरपरस्ती में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। बिल आखिर अल्लाह सुबहानहु तआला उसी मगलूब कौम को, उसी जिला वतन की हुई कौम को गांव से निकाल दिए गए थे, मुल्क से ही निकाल दिए गए। फिर फातह की हैसियत से मसर में लाता है और उसी मुल्क का बादशाह बाद में अगर आप लें तो अहले ईमान का अल्लाह सुबहानहु तआला बना। तो हमें कामिल यकीन है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारी मिल्कियतें अल्लाह सुबहानहु तआला के कब्जे कुदरत में है। तो उतिल मुल्क मन तशा, जिसको वो चाहता है बादशाहत देता है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता उस बादशाह को छीनता भी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा, इज्जत की चादर पहनाना भी उसी के बस की बात है। वतुज़िल्लु मन तशा, जिल्लत और खार के करके बदनाम करना भी उसी के कब्जे कुदरत में। हर चीज अल्लाह सुबहाना तआला के कब्जे कुदरत में, ये यकीन हमें होना चाहिए और उसी की तरफ हमें रुजू भी करना चाहिए। उसके बाद माज़द सामईन, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला पहले खलीफा थे, जैसे ही रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, हदीसुल इस्लाम यानी अभी अभी जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनमें से कुछ ग्रोह जो इस्लाम की रूह को सही तरीके से नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने यह आसमानी जो दस्तूर था शरीयत इस्लामी में तरमीम की डिमांड की। चुनांचे ये तरमीम था, इस तरखीस का ये जो सिलसिला है आज का नहीं है, बहुत पुराना है। डिमांड उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ाम हयात थे, हम नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे, दीगर उम्र हम बजा लाते थे, अभी उनके बाद हम इसको जरूरी नहीं समझते, इसलिए ज़कात को माफ कर देना चाहिए, ज़कात को शरीयत से निकाल देना चाहिए, तरमीम कर देना चाहिए, उसको कोई बदल दे। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था मेरी जिस्म में जान हो और उसके बावजूद भी अल्लाह का दीन बदले, ये हरगिज नहीं होगा। और सख्ती के साथ उनके खिलाफ खड़े हो गए, जिसकी बदौलत वो जो फितना था धीरे धीरे कम हो गया, खत्म हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप अगर तारीख के अलग अलग मराहिल देखते हैं और अलग अलग ममालिक को देखते हैं, अलग अलग हुकूमतों को आप देखते हैं, तो आपको बात समझ में आएगी। मुसलमानों के साथ उनकी शरीयत को लेकर, शरीयत में तरमीम को लेकर एक कोई नया मसला नहीं है। तुर्किया जिसको हम जानते हैं 1962 की मैं अगर आप लें, तो उस वक्त पूरे तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी लिबास को लाजिम करार दिया गया,
अरबी पढ़ना कानून के खिलाफ, अजान जोर से देना कानून के खिलाफ। क्या उस वक्त के जो उलमा थे उम्मत के खैरखा थे हथियार डाल दिए थे कि भैया हालात आते रहेंगे, हमें संभलना होगा? हरगिज नहीं। तोहफों के सामने अपने जिस्मों को उन्होंने पेश किया, ढेर सारी कुर्बानियां दी और यह सिलसिला चलता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह माइल बा इस्लाम है मुल्क। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन, आज एक हुकूमत है, कल एक और हुकूमत आएगी। आज पावर एक के पास है, कल पावर किसी और के पास आएगा। लेकिन इन सारे हाकिमों का हाकिम अहकमुल हाकिमीन अल्लाह सुबहाना हो ताला, और अल्लाह सुबहाना हो ताला ने इस दीन की हिफाजत अपने जिम्मे ली है। इसको समझना जरूरी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस नसीहत के उतारने वाले भी यकीनन हम ही है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने लिया है। किसी और के हवाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी हिफाजत नहीं दी है। हां, हमें सोचना यह जरूरी है कि इस दीन की हिफाजत में हमारा माल कितना लगा है, हमारा वक्त कितना लगा है, हमारी कितनी कुर्बानियां इस दीन के जो है, इस शरीयत के लिए हम किए हैं, इसके ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होना जरूरी है। वरना जो लोग कहते हैं कि भाई अगर तरमीम होती है तो होने दीजिए, क्या हम दीन को छोड़ देंगे, शरीयत को छोड़ देंगे? तरमीम होती है तो होने दें, कहां तक आप कॉम्प्रोमाइज होंगे? वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, आप समझते हो ये हक छोड़ दोगे, वो हक छोड़ देंगे, और एक हक छोड़ देंगे, सारे हुकूक से आप दस्तबरदार हो जाओगे, ये राजी हो जाएंगे? जब तक घर वापस ही नहीं होती, राजी नहीं होती। याद रखें, हत्ता तत्तबिया मिल्लता हूं, जब तक उनके मिल्लत की, उनके शरीयत की आप इत्तिबा नहीं कर लोगे, ये खामोश रहने वाले नहीं है। आज ये राइट्स हमें मिले हुए हैं, ये हुकूक हमें मिले हुए हैं, अगर इन हुकूक को हम छोड़ दिए तो फिर ये हुकूक ही चले जाएं तो फिर सवाल करने की हिम्मत कहां रहेगी? अब आजादी है, आपके लब आजाद है, आपके हाथ आजाद है, आपका कलम आजाद है, हर चीज आपके आजाद है। अगर ये आजादी आपसे छीन ली जाती है तो किस बलबोते पे कल आप सवाल करेंगे, किस बलबोते पे आप हुकूक तलब करेंगे, किस बलबोते पे अपने बच्चों का भविष्य आप तलाश करेंगे? मुआज़्ज़ज़ सामईन, चीज उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई जाती है। चुनांचे हमारी शरीयत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हां, ये समझिए कि अगर जबरदस्ती हम पर कोई कानून मुसल्लत कर दिया जाता है उसके बाद हम उसको बर्दाश्त करते हैं या उसका डिफेंस करते हैं, अपोज करते हैं या सपोज करते हैं, ये बात के मराहिल है। लेकिन पहले मरहले में हम देखते हैं एक कौवा, उस पर अगर कोई 10 दराजी करता है तो सारे कब्बे क्या है, उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, उसके जान की हिफाजत। शरीयत तो हमारी जान से बढ़कर है, तो फिर हम क्या, हम अपनी शरीयत के लिए खामोश हाथ धरे बैठेंगे और सोचेंगे अगर हमने कुछ कदम उठाया तो हो सकता है हमारे लिए मशाकिल पैदा हो, अगर मैंने कदम उठाया कुछ कहा तो मेरे बच्चों के लिए कुछ मसाइल हो? सोचिए, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा का भविष्य कब है? उसी वक्त तक है जब तक हमें हुकूक हासिल है। माज़ा सामने मुख्तसर में एक बात बता के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, बगैर नाम जिक्र किए कहूंगा कि कुछ इलाकों में आप देखते होंगे
तो साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं, रोड सही नहीं, ड्रेनेज सही नहीं। आपको मालूम क्या वजह क्या? वही मुल्क, वही लोग हैं और वही मोहब्बत का दम भी भरते हैं। मुसलमान होने के बावजूद बता, उसकी वजह है कि वहां वोट का इंतजाम नहीं है। उनके वोट डालने से, वोट ना डालने से इनका कुछ फर्क होने वाला नहीं है। अगर फर्क होता तो जरूर उन इलाकों के जो है रोडों का भी इंतजाम होता, ड्रेनेज भी क्लीन होता, सारी चीजें होती है क्या? तो ये जो हक है, वो हक चाहे वोट का हक हो, बोलने का हक हो, कोई भी हक हो, अगर ये छिन जाए या इसको जबरदस्ती इसका गला अगर घोट दिया जाए, तो उसके बाद आप हक तलब करने के लिए कितने मसाइल का आपको शिकार होना पड़ेगा, कितने मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा जहां आप रह रहे हैं, इसके पस मंजर में आप अंदाजा लगा ले सकते हैं। सुना कि माज़ा सामीन, हालात नाजुक से नाजुकतर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें, और अगर हम सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ हम रुजू होते हैं, तो उसके बाद अगर इन ख्यालात के हामिल जो अफराद हैं वो अगर पावर में भी आ जाएं, और एक बार भी उसके बावजूद अल्लाह सुबहाना ताला की जात हमारे साथ, उनके साथ कोई भी मियां हो सकते हैं, ये मियां वो मियां सब मियां उनके साथ हो सकते हैं, हमारे साथ कौन है? अल्लाह मियां। तो हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, और दीन इस्लाम हमेशा अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो उन्हीं हालात में ज्यादा फैला है जो हालात नासाजगार, क्योंकि फितरी मजहब है। जब भी इस मजहब को, इस दीन को खतरा लायक हुआ है, अल्लाह सुबहानहु तआला ने ऐसे नासिर और हामी खड़ा किए हैं कि तारीख हैरान रह गई। चुनांचे माज़ा समय हम हालात को सामने रखते हुए अपना तज़िया करना चाहिए। कुछ बातें मैं आपके हवाले करने की कोशिश करूंगा, उसमें पहली बात यह है, अभी कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, कड़पे में अलग से जो है मुसलमानों के मसाइल जो काजी हजरात हैं, मुफ्ती हजरात हैं, वो हल करते हैं, और इनको पूरे तरीके से मालूम भी है कि कितनी खामियां मुसलमानों में हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपना मुहासबा करें, क्यों ये हालात हम पर आए हैं? अल्लाह सुबहान तला इंसाफ पसंद है कि मुतलक अदल, अल्लाह की कोई भी हुक्म में कोई जुल्म नहीं, फिर ये जुल्म हम पे क्यों उठाया जा रहा है? क्यों हम इस इम्तिहान का शिकार हैं? कहीं इसकी वजह खुद हमारे अपने करतूत तो नहीं, हमारे अपने अफआल तो नहीं है, हमारे अपने आमाल तो नहीं है? यकीनन इसका तज़िया कर लेना जरूरी है, इसका मुहासबा कर लेना जरूरी है। हज के महीने को छोड़कर, कुर्बानियों के इस महीने को छोड़कर, एक नए साल में हम कदम रखने वाले हैं। नहीं, नया कुछ आपको चाहिए तो हज का महीना आपको पैगाम देता है कि बगैर कुर्बानी के नहीं होगा। तो हमें कुर्बानी देना आना है, अपने नफ्स की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी हमें देना जरूरी है। चुनांचे माज़ा सामईन, आज हम में कितने लोग हैं जो इस्लाम के कानून के मुताबिक विरासत के हमारे मसाइल को हल करते हैं? कितने लोग हैं निकाह के मसाइल को हल करते हैं? कितने लोग हैं तलाक के मसाइल को हल कर रहे हैं? कितने लोग हैं उनके अपनी आपसी झगड़ों को उलमा के पास जाकर, मुफ्तियान के पास जाकर, काजियों के पास जाकर हल करते हैं? कितने लोग हैं बताएं? ज्यादा से ज्यादा लोग
कोर्ट की तरफ जाते हैं, है कि नहीं? तो हम खुद जो है हमारे मसाइल को हल करने के लिए कुरान की तरफ नहीं पलटते, हदीस की तरफ नहीं पलटते, तो फिर ये बुरे दिन नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हमारा ये मुहासबा होना चाहिए कि हमें अपनी शरीयत प्यारी होनी चाहिए। गैर मुकम्मल शरीयतें, गैर मुनासिब शरीयतें रखने वाले जब वो फख्र कर सकते हैं, तो मुकम्मल शरीयत रखने वाले और पाकीज़ा शरीयत रखने वाले हम क्यों डिफेंस में? माज़ा सामईन, चुनांचे मुख्तसर तरीके से वक्त थोड़ा ही है, कुछ बातों को आप लोगों के हवाले करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इन हालात में हमें जो चीज करनी चाहिए वो ये कि हमें अपना अकीदा सही करना चाहिए, अपने ईमान का तजिया करना चाहिए कि कहां तक हमारे पास उसके ताल्लुक से इल्म है और कहां तक हम उस पर यकीन रखते हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं वकान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, जो खालिस मुमिन है उनका उनकी मदद करना हम पर वाजिब है। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह सुभान व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, यानी हमें अल्लाह सुभान व तआला हमारी तवज्जो जो है उस तरफ फेर रहे हैं कि हमें अमल और इखलास को साथ में रखना, अमल भी हमारा अच्छा हो और जो अमल हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहु ताला के लिए हो। अगर हम ऐसा करेंगे, अल्लाह सुबहानहु ताला कुरान में फरमाते हैं फला नुहयिन्नहु हयातन तैयबा, पाकीजा जिंदगी गुजारने का पूरा निजाम करने की जिम्मेदारी मेरी अल्लाह सुबहानहु ताला ले रहे हैं, चुनांचे अमल साले की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों का इरशाद फरमाया, इन्नमा यंसुरुल्लाहु हादिल उम्मा बिदाअफिहा बिदाअवतिहिम व सलातिहिम व इखलासिहिम, कि अल्लाह सुबहानहु तआला इस उम्मत की मदद तीन चीजों से फरमाते हैं। एक, इस उम्मत के कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह इस उम्मत की मदद करेंगे। दूसरा, लोग जो अल्लाह सुबहानहु तआला के जिक्र को कायम करें, नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज की बदौलत अल्लाह सुबहानहु तआला मदद करेंगे। और अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं जो इखलास उनमें होगा उस इखलास की बदौलत अल्लाह सुबहानहु तआला इस उम्मत की मदद फरमाएंगे। चुनांचे हमें चाहिए कि हम अपने नेक आमाल की तरफ हम पलटें, और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह की एक सुन्नत जो है जो कायनात में है वो ये, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक बदलने का अज़्म हम में नहीं होता अल्लाह सुबहानहु तआला हमारे हालात को बदलने वाले नहीं है। अगर हमारे आमाल अच्छे हुए, है कि तो जमीनी जो आमाल है अच्छे हुए, हमारी रिपोर्ट अच्छी गई, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फैसले भी हमारे हक में होंगे। और उसके साथ साथ माज़ा सामईन, हमारा जो किरदार है, अगर हम तारीख को पलटते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कौमों की तारीख किस चीज ने पलटी, तो मुसलमानों का किरदार था। चुनांचे माज़ा सामईन, खासकर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो खासकर इंसानी माशी तहजीबी यानी आपकी विरासत के मसाइल हो सकते हैं, शादी के मसाइल हो सकते हैं, जो आपके पर्सनल चीजें हैं या पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये सारी चीजों में खलल पैदा करने वाली चीज क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इसको पूरी गहराई के साथ हमें जानना जरूरी है, और जब तक के कोई एक ऐलान हुकूमत की तरफ से खुद नहीं आता, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ही स्टेटमेंट दे देना, पहले ही जो है हंगामा खड़ा करना, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अकाबरीन है और मुस्लिम फैसला के जो जिम्मेदारान है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी हैं, उन्होंने वो भी जो है कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कानूनी कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, दीगर अकवाम का भी है, दीगर तमाम हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का भी है, और उसके जो मुफक्किरीन है और उसके जो अकाबरीन है वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से फिक्रमंद है, और उनकी भी कोशिशें जारी व सारी हैं। बहरहाल ये किसी एक का मुद्दा हो सकता है, और मुद्दा ये हो सकता है कि आज खत्म हो या आगे ये चलता रहे ये अलग बात है, लेकिन हमें एकजुट होकर मुत्तफिक होकर मुत्तहिद होकर जो भी चीज हमारे शरीयत के खिलाफ दीन के खिलाफ होती है
उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, जो दस्तूर हमें आजादी देता है बोलने का लिखने का, जो भी आजादी हमें देता है उस आजादी को जायज तरीके से इस्तेमाल करते हुए, गलत अल्फाज का इस्तेमाल ना करते हुए हम अपने हुकूक को तलब कर सकते हैं। अल्लाह सुबहानहु तआला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु तआला मसाइल को हिकमत से समझने और हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो बड़े हैं उनको अल्लाह सुबहानहु तआला उन मसाइल का सही तरीके से हल अल्लाह सुबहानहु तआला अता फरमाए। और जो भी मसाइल मशाकिल गए दिन जो है मुसलमानों पर इलाकाई तौर पर भी होते हैं, पेश होते हैं, तो हमें अल्लाह सुबहानहु तआला से उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन खानदानों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु तआला उन मसाइल से अल्लाह सब उन्हें भी महफूज फरमाए और उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह सुबहानहु तआला इज्जत वाली जिंदगी दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो भी बेहतरीन अंदाज में बता रहे थे कि अपने किरदार से